तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो दोस्तों मैं लक्ष्मण चंदा फिर से आ गया हूं कास्ट डैडी की नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये है टाटा पंच टॉप वेरिएंट। टोटल इस गाड़ी में चार वेरिएंट देखने को मिलते हैं, प्योर, एडवेंचर, अकॉम्प्लिश एंड क्रिएटिव। क्रिएटिव जो है इसका टॉप वेरिएंट है, एंड जो आप सामने देख रहे हैं ये क्रिएटिव वेरिएंट ही है इस गाड़ी का। दिस इज अ माइक्रो एसयूवी जो अनवील कर दी गई है टाटा के द्वारा, और ये गाड़ी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। 18 अक्टूबर को इस गाड़ी की लॉन्च डेट रखी गई है, जिसमें आपको इसके प्राइसिंग वगैरह और इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी डिटेल जानने को मिलेगी। पूरी तरीके से अनवील कर दी गई है ये गाड़ी, एंड शोरूम पे भी अवेलेबल है, आप जा सकते हैं, जाके देख सकते हैं, एंड कुछ अमाउंट पे करके इसकी बुकिंग अपने लिए करवा सकते हैं, जिससे आपको गाड़ी पहले मिल जाए, ज्यादा वेट ना करना पड़े आपको। और इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट भी हो गया है, जिसमें ये गाड़ी ने 5 out of 5 स्टार रेटिंग की है, जो कि काफी बढ़िया गाड़ी है। पहले महिंद्रा की एक्सयूवी 300 आती थी टॉप में सेफ्टी के मामले में, इसने उसको पीछे कर दिया है। टाटा पंच अब सेफेस्ट कार मानी जाती है इंडिया की माइक्रो एसयूवी में, और वो काफी बढ़िया बात है कि टाटा का नया प्रोडक्ट लॉन्च होते के साथ ही दूसरी गाड़ियों को पंच मार के दूर कर रहा है, काफी बढ़िया बात है ये। और जो इस गाड़ी की प्राइसिंग है वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट की जा रही है कि ये गाड़ी आपको 5.5 lakhs एक्सशोरूम प्राइस इसका बेस वेरिएंट देखने को मिले, एंड 8.5 lakhs एक्सशोरूम प्राइस इसका टॉपेस्ट वेरिएंट देखने को मिले। इस गाड़ी का टॉपेस्ट वेरिएंट एंड नेक्सॉन का बेस वेरिएंट दोनों एक दूसरे को बहुत तगड़ी टक्कर देने वाले हैं, जिससे ज्यादातर कस्टमर जो है इसके टॉप वेरिएंट के साथ जाएंगे, क्योंकि फीचर्स भी ज्यादा है, एंड ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको 187 mm की देखने को मिलती है, जो कि काफी बढ़िया है एक माइक्रो एसयूवी के लेकर। आप ऑफरोडिंग वगैरह काफी बढ़िया कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको 16 inches के डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। इस गाड़ी के अंदर वही सेम अल्ट्रोस वाला इंजन दिया गया है, 1.2 liter का इंजन, जो प्रोड्यूस करेगा 86 bhp की मैक्स पावर एंड 113 nm ऑफ टॉर्क। एंड ये गाड़ी आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ 5-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी अवेलेबल है। जो आप सामने देख रहे हैं इसका टॉपेस वेरिएंट है विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, मतलब कि इसके ऊपर कोई भी वेरिएंट नहीं आता। इस गाड़ी के अंदर आपको काफी बढ़िया बढ़िया फीचर देखने को मिलेंगे। एक्सप्लोर करते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर को, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको इस गाड़ी का फ्रंट। फ्रंट में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे यहाँ पे DRLs जो कि हैरियर इंस्पायर्ड है, एंड उसी के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टर्निंग इंडिकेटर्स। एंड ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्रोम की लाइनिंग देखने को मिलेगी, जो इसके एक DRL से लेकर दूसरे DRL तक ज्वाइन कर रही है, देख सकते हैं कुछ ऐसे। बीचों बीच आपको देखने को मिलेगी इसकी ग्रिल, जो कि देखने में नेक्सॉन जैसी लग रही है, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा बीचों बीच टाटा का लोगो क्रोम में। इस साइड आपको देखने को मिलेंगे 3 tri-aero cuts, नीचे आपको देखने को मिलेगी ब्लैक मैट आउट में इसकी ग्रिल, बम्पर मिलेगा आपको बॉडी कलर, एंड नीचे आपको स्केट प्लेट भी देखने को मिलेगी ब्लैक मैट आउट में विद ट्राई-एरो डिजाइन। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फॉग लैम्प, ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा इसका हेडलैम्प सेटअप, जो आपको हैरियर में सेम देखने को मिलता है। प्रोजेक्टर्स भी आ जाएंगे एंड हेलोजन भी आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि ये टॉपेस वेरिएंट है। अगर आप नीचे वाले वेरिएंट में जाएंगे तो उसमें खाली आपको हेलोजन देखने को मिलेंगे, एंड कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको इसका मस्कुलर सा बोनट। यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 wiper विद 2 washers, एंड रेन वाइपिंग सेंसिंग का फीचर आ जाएगा इसके टॉपेस वेरिएंट में। एंटीना आपको ओल्ड स्कूल टाइप ही देखने को मिलेगा, शार्क फिन एंटीना यूज नहीं किया गया इसके टॉपेस वेरिएंट के अंदर भी। रूफ आपको ब्लैक में देखने को मिलेगी, ये डुअल टोन में है ऑरेंज एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में, तो इसलिए आपको रूफ इसकी ब्लैक में देखने को मिलेगी। पूरी रूफ रेल्स भी आपको ब्लैक पियानो फिनिशिंग के साथ देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको इसका साइड। साइड में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे डुअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जिसकी टायर प्रोफाइल की बात करें तो वो है 195/50 R16 16 inches के आपको अलॉय व्हील प्रोवाइड किए गए हैं। एंड यहाँ पे आपको ऊपर देखने को मिलेगी ब्लैक मैट आउट में क्लैडिंग, जो कि पूरी कार को कवर कर रही है। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ब्लैक पियानो फिनिशिंग के अंदर इंटीग्रेटेड टर्निंग इंडिकेटर्स के साथ ORVMs, ए पिलर मिलेगा आपको ब्लैक में, डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर में देखने को मिलेंगे, एंड ऊपर की साइड आपको पूरा ब्लैक में देखने को मिलेगा। बी पिलर आ जाएगा ब्लैक मैट आउट में, एंड सी पिलर भी आपको ब्लैक मैट आउट में देखने को मिलेगा, एंड जो इसका साइड का डोर हैंडल है वो भी आपको सी पिलर पे माउंटेड देखने को मिलेगा। एंड इस साइड आपको देखने को मिलेगा फ्यूल इंटर्न एरिया। चलते हैं इसके रेयर में, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको इस गाड़ी का रेयर। ऊपर आपको देखने को मिलेगा इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डी फोगर, रेयर वाइपर, कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे आपको इसके ट्राई एरो LED टेल लैम्प विद रिवर्स लाइट एंड टर्निंग इंडिकेटर। कुछ ऐसे देखने को मिलेगा आपको इस गाड़ी का कर्व सा बैक, जो कि मेरे को पर्सनली ज्यादा अच्छा नहीं लगा, ठीक ठाक ही है, बट इसका फ्रंट काफी बढ़िया है। रेयर में बंपर आपको देखने को मिलेगा ब्लैक मैट आउट में, उसी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे रिफ्लेक्टर एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर, जो कि 2 अवेलेबल है। सॉरी वीडियो थोड़ी जल्दी जल्दी बनानी पड़ रही है, क्योंकि अभी पूरी डिटेल वीडियो बनाने की परमिशन नहीं है शोरूम में, ये तो गाड़ी बाहर खड़ी थी तो मैंने बात वगैरह करके आपके लिए परमिशन ले ली। अब इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हूं आपको दूसरी जगह। चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में, यहां पे आपको देखने को मिलेगा ड्राइविंग साइड डोर पे रिक्वेस्ट सेंसिंग फीचर, जो कि सिर्फ ड्राइविंग साइड डोर पे अवेलेबल है। एंड एक चीज मेरे को काफी बढ़िया लगती है, इसका डोर ओपन करेंगे ना तो ये पूरा 90 degree खुल जाएगा, जो कि काफी बढ़िया है, सबके लिए आसानी रहेगी इस गाड़ी के अंदर जाने में एंड बाहर निकलने में, ओल्ड पर्सन के लिए काफी सही रहता है ये। कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको इसका ड्राइविंग साइड डोर। यहां पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा
ड्रॉअर ओपनर सिल्वर फिनिशिंग में। उसी के साथ यहाँ पे दिखे ट्विटर्स, नीचे आपको देखने को मिलेंगे ORVM से रिलेटेड कंट्रोल्स एंड चारों पावर विंडो से रिलेटेड कंट्रोल्स, ग्रैब हैंडल एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरी व्हाइट फिनिशिंग देखने को मिलेगी आर्मरेस्ट के लिए। इसमें आपको ट्राई एरो डिजाइन देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं कुछ ऐसे। नीचे आपको देखने को मिलेगा 1 लीटर बोतल स्पेस, मैक पॉकेट एंड अम्ब्रेला होल्डर। ड्राइविंग साइड सीट आपको देखने को मिलेगी हाइट एडजस्टेबल। चलते हैं इस गाड़ी के अंदर, अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं इसके इंटीरियर को। सीट्स जो है इस गाड़ी की फैब्रिक में दी गई हैं, कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको इसका लेदर और स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे इसके क्रूज कंट्रोल एंड यहाँ पे आपको मिलेंगे अपने इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल्स। वही सेम आपको हार्मन का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, जैसा आपको दूसरी गाड़ियों में भी देखने को मिलता है। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा, वही सेमी डिजिटल, यहाँ पे एनालॉग एंड यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन। अभी इसकी कीज नहीं है जिस वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता। यहाँ पे आपको मिलेंगे वाइपर कंट्रोल्स, यहाँ पे मिलेंगे सारे हेडलैम्प से रिलेटेड कंट्रोल्स। एसी वेंट्स देख सकते हैं, एसी वेंट्स के सराउंड यहाँ पे आपको सिल्वर सी फिनिशिंग देखने को मिलेगी। ब्लू एंड व्हाइट कलर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर की फिनिशिंग देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी ब्रश सी फिनिशिंग दी हुई है, ध्यान से देखिए अगर कैमरा कैप्चर कर पा रहा है तो। यहाँ पे ब्रश सी फिनिशिंग दी गई है। इस साइड आपको मिलेंगे ट्विटर्स एंड यहाँ पे आपको थोड़ा वाइट सा कलर देखने को मिलेगा, ये प्योर वाइट सा कलर है, देख सकते हैं यहाँ पे भी पूरा ऐसे जा रहा है। एसी वेंट्स यहाँ पे भी आपको सेम देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पे भी आपको थोड़ी ब्रश सी फिनिशिंग देखने को मिलेगी। ये पूरा प्लास्टिक में दिया गया एंड यहाँ पे देख सकते हैं ट्राई एरो का डिज़ाइन है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ जाएगा, यहाँ पे फ़ोन रखने का स्पेस, USB सॉकेट एंड यहाँ पे ऑक्स नहीं दिया गया, क्रॉस कटिंग की गई है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, फ़ोन रखने का स्पेस, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इसलिए यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है, देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस मिल जाता है, आर्मरेस्ट वगैरह भी दे देते तो थोड़ा अच्छा रहता। बाकी ये गाड़ी बहुत बढ़िया है, यहाँ पे भी आपको 12V का पावर सॉकेट मिल जाता है। हैंड ब्रेक लीवर, यहाँ पे आपको क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिलेगी। ग्लोव बॉक्स में आपको काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाती है ट्रे एंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग भी दी गई है। मैनुअल एडजस्टेड IRVM। ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको मिलता है टिकट होल्डर एंड को पैसेंजर साइड सनवाइजर में आपको देखने को मिलता है वैनिटी मिरर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका हेलोजन में बल्ब, माइक, एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे आपको फ्रंट में एंड रेयर में। ये जो सीट्स है इसकी पूरी फैब्रिक में है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको ट्राई एरो डिज़ाइन भी देखने को मिलेगा सीट्स पर। तो दोस्तों ये था कंप्लीट इसका फ्रंट इंटीरियर, अब चलते हैं रेयर में, रेयर में चल के देखते हैं इसके रेयर इंटीरियर को। यहाँ पे आपको मिलेगा इसका डोर ओपन करने के लिए, वो देख सकते हैं कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको इसका रेयर इंटीरियर। ये 90 डिग्री खुल जाता है। रेयर में आपको आर्मरेस्ट दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं विदाउट 2 कप होल्डर्स वगैरह, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। एंड साइड आपको मिलेगा ग्रैब हैंडल दोनों साइड मिल जाएगा विद ये लगेज होल्डर। सॉरी ये रिव्यू बहुत जल्दी में था जिस वजह से परमिशन वगैरह भी अलाउड नहीं थी, बट हमने आप सभी के लिए बना दी। आई होप आपको इस गाड़ी के बारे में पूरा पता लग ही गया होगा, मेजर चीजें आपको इस गाड़ी के बारे में पता लगी गई होंगी। ये प्रोडक्ट काफी बढ़िया है टाटा की तरफ से इस प्राइस सेगमेंट में और ये इंडियन रोड्स के ऊपर बेस्ड है, तो फिर काफी बढ़िया है, आप इसे ले सकते हैं। कोई बंदा अगर सोच रहा है अपनी फैमिली के लिए ये गाड़ी लेना, मिडिल क्लास के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ये टाटा की तरफ से। बाकी आप सभी को ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, साथ ही साथ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बी सेफ एंड ड्राइव सेफ।